Hello everyone and welcome to this video. Today is the 26th of January, so a very happy Republic Day to everyone. Aaj chutti thi office ki, so we decided, we as in me and a couple of other friends of mine, we decided to go to this place called Ranga Nayaka Sagar Island. So this is an island somewhere near Siddipet, and if I'm not wrong, it was built to meet the drinking water needs of people in and around that reservoir. तो वहाँ पर एक आइलैंड भी है, फोटोज वोटोज देखे थे, मस्त दिख रहा था. हम ना सोचे कि भाई चलो, छुट्टी है, ज़्यादा दूर नहीं, इट्स अबाउट 100 kilometers, 110 kilometers फ्रॉम हेयर. तो सोचे कि भाई चलो देख ले कि आएंगे कैसा है. द टाइम नाउ इज 12:48 एंड वी शुड आराम से भी गए तो ब्रेक व्रेक ले लेके भी गए तो आई एम गेसिंग वी शुड रीच द आइलैंड इन a couple of hours from now, so max 3 o'clock from here. So I'm riding this, my X-Pulse, and there are two friends of mine who are on a classic 350 Enfield. So we are here in the Hussain Sagar area of Hyderabad. Chunki chutti hai aaj, to bahut sare families aaye hue hain yahan pe. गर्मी का आलम देख सकते हैं आप सामने. स्कॉर्पियो में बनियन में जा रहा है, टू मच है वही है ना. बिकॉज इट्स अ पब्लिक हॉलीडे, पूरे रोड्स खाली हैं. अदरवाइज ये सारे रोड्स पे इतनी ट्रैफिक रहती ना, बुरा ना आना, आप इतना ट्रैफिक रहता है यहाँ पे. लेकिन अदरवाइज देखो, आप छुट्टी रहने की वजह से पब्लिक ही नहीं है रोडों पर. बहुत जल्दी आई बिलीव विल एग्जिट द सिटी, ऐसा रहा है तो. इनकी हैट देखिए, अंपायर साहब जा रहे हैं क्रिकेट विकेट है शायद कहीं तो भी. चलो एनीवे, वी हैव रीच्ड, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बेगमपेट है हाँ, वहाँ बोल रहा ना, जुबली बस स्टेशन, मारेट पल्ली, आई थिंक वो परेड ग्राउंड है सामने. तो भाई यहाँ तक तो आ गए, अभी और सीधा ही जाना है एज पर द मैप्स ऑन माई बाइक. हाँ, सो वी हैव डन अबाउट 40 kilometers फ्रॉम माई होम. खतरनाक. So we have done about 40 kilometers from my home. We are somewhere near Shamirpet. और एक 80-85 kilometers और होएंगे to reach the island. सब अच्छा चल रहा है, हो सकता है कहीं रुकेंगे या पानी वानी के वास्ते. Shamirpet is somewhere very close. मौसम तो ठीक है, थोड़ी धूप है, बट हवा अच्छी ठंडी है. So here we are, ये है Shamirpet Lake. यहाँ से 67 किलोमीटर सीधा मार खाली 67 किलोमीटर से लेफ्ट. भाई रोड तो बहुत अच्छी है, दिस द सेम रोड दैट टेक्स यू टू कोंडा पोचम ऑल्सो, एंड द सेम रोड दैट टेक्स यू टू रंगा नायका सागर ऑल्सो. दोनों रिजर्वायर्स हैं, दोनों सेम रूट पे हैं. पहले कोंडा पोचम आता, उसके बाद रंगा नायका सागर आता. रोड तो बहुत बेहतरीन है, एक स्ट्रेट रोड है भाई, स्ट्रेट रोड है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है. पब्लिक बिकॉज इट्स नेशनल हॉलीडे, तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है. रोड तो बहुत बेहतरीन है, मज़ा आ रहा चलाने में. ना द 63 किलोमीटर्स फॉर द लेफ्ट, ओके, ना द 3.9 किलोमीटर्स से अपने को लेफ्ट लेने का है. ये ऑलमोस्ट वी स्ट्राइक विद दी, वी हैव ऑलरेडी डन 7 किलोमीटर्स मेरे घर से. हाँ, तो वी आर समवेयर वेरी क्लोज. अरे अरे अरे, क्या दीवाने पोटे रहते भाई. तो भाई वो लेफ्ट तो ले लिया, आ गया 127 मीटर से, 100 मीटर से फिर से लेफ्ट बोल रहा. वो हाईवे भी बस हो गया था, थोड़ा गांव में घुस रहे हैं अपन. आई थिंक वी आर समवेयर वेरी क्लोज, आ ही गए ऑलमोस्ट, क्योंकि ये रिजर्वायर का बाउंड्री भी दिख रहा है. एंड एक वो कुछ इंटरनेट पे पढ़ा था मैं कि देयर इज दिस आइलैंड, राइट, वो आइलैंड के बीच में देयर इज अ होटल स्टे के लिए कुछ है,
तो शायद वो आगे वैसा ही कुछ दिख रहा हो, अनदर 14 मीटर से ऐसा यू टर्न जैसा है कुछ तो भी ना। एंट्रेंस कैसा है, ऐसे ही जा सकते? हाँ ऊपर जाने, यही है, ठीक, थैंक यू। तो यही है भाई एंट्रेंस, लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, गाड़ियाँ आ रही, क्या है आगे हेयरपिन बेंडों के ऐसा है पूरा। नाइस, ओवरटेक कर देंगे, व्यू खराब करेंगे इन्हें क्या है। ओहो अच्छा, दिस इज द वे, तो भाई हियर वी आर रंगानायका सागर। And this is how you get to the island. वो जो आगे दिख रहा है वो पूरा आइलैंड ही है। And that's the stay that I was talking about. मस्त है। The best thing इसके मौसम भी साथ दिया है, जूता एकदम हार्श, मौसम भी नहीं है, मज़ा आ गया। Beautiful place भाई। Oh, there are people over here. फोटो वोटा चल रहे हैं। और अपन तो पहले क्राउंड मार के आएंगे कैसा है। ओ देयर एक्चुअली वे वहाँ पे भी, तो चलो चल के देखेंगे कैसा है ऊपर। दिस द होटल, दिस द स्टे, यहाँ पे भी कुछ है। ये बारिशों में तो और ब्यूटीफुल रहेगा ये, अभी तो जान का महीना है, गर्मियाँ शुरू हो गए। इस तरह वे यहाँ से पंजाब और ओ नहीं, नो वे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, विल हैव टू गो बैक। ओ एक्चुअली देयर इज अ वे है क्या? यस, बट यहाँ कुछ खास है नहीं। तो भाई वहाँ पीछे ठहर गए थे थोड़े फोटो आउट वहाँ लेने को, यहाँ से रास्ता आई बिलीव ऐसी छे, यहीं से आए थे। सच अ नाइस प्लेस भाई, दैट्स द ब्रिज, दैट्स द ब्रिज दैट कनेक्ट्स द रोड टू दिस आइलैंड। ऊपर से जा रहे हैं हमारे दोस्त, जाके देखेंगे क्या है। ये यही वो स्टे है शायद, होटल स्टे, अगर इफ द समवन वांट्स टू स्टे यहाँ पे आके, तो आई बिलीव दिस इज द प्लेस, दिस द होटल। नाइस, देयर आर मल्टीपल रोड्स हियर एंड देयर ऑन द आइलैंड, तो हम लोग बस घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, शायद कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। वैसे तो द होल आइलैंड इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, लेकिन इतने रोड़ा वोड़ा कई को बना है, गाड़ियाँ भी आ रही हैं यहाँ से। ओह आई थिंक दिस इज द रोड, दिस रोड इज जस्ट अराउंड द आइलैंड, ये आइलैंड का आउटर रिंग रोड है शायद ये। मस्त जा रहा हो, इधर भी हैं जी थोड़े, क्या है ये, डक्स हैं क्या है नहीं मालूम, इधर भी है, डका है, स्वाना है, मगरमच्छा है। हाँ मगरमच्छा भी है, मगरमच्छा नहीं है, उधर से एक आ रहा। ये क्या है, काले काले कौए हैं क्या? तो भाई हो गया, बैठ गए, मंतखे मार लिए, ख़त्म। अब वापस जा रहे हैं, प्यास बहुत तेज़ लग रही, पानी वानी पीना है। डिसेंट स्पॉट फैमिली वैमिली के साथ आने के लिए अच्छा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5
पांच लोग थे एक ही गाड़ी पे। चलो भाई वो तो बड़ा ब्यूटीफुल सीन भाई, कितना अच्छा दिख रहा। दिस माउंटेन्स ओवर देयर, यहाँ फार्मिंग हो रही, यहाँ पे पानी है, आइलैंड है। एक पूरा राउंड मारेंगे एंड उसके बाद तो कुछ खास प्लान है नहीं, उसके बाद सिर्फ लंच करना है और घरों को जाने का है। टाइम है 4 o'clock, सैडलिंग कर लेते जाएंगे। ब्यूटीफुल प्लेस, छुट्टी वेल स्पेंट, नाइस।